हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आज ना मेरा सुबह सुबह नींद छूट गया है। ऐसा तो बच्चे लोग का जब स्कूल कॉलेज रहते हैं, मैं 6:30 बजे उठती हूँ और 6:30 बजे मेरा सुबह ही है, क्योंकि रात को थोड़ा लेट करके सोती हूँ। जल्दी भी काम हो जाएगा ना, तो नींद आते आते 12:30-1 बज ही जाते हैं। और आज तो बच्चे लोग का स्कूल कॉलेज नहीं है, फिर भी 6 बजे मेरा नींद छूट गया है। और एक बार मेरा आँख खुल जाता है ना, तो मैं कितना भी कोशिश करूँ मुझे नींद आता ही नहीं है। तो चलिए, मेरा सुबह का गर्म पानी तो पी के हो गया है। अभी सुबह का शॉप काम कर लेती हूँ, क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चे लोग के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और बाबू ना आज उठ गया है, दोनों बच्चे को ना अभी एक्सरसाइज का बहुत सर में चढ़ा हुआ है। एक जन को वेट लॉस करना है और एक जन को बॉडी बनाना है। तो बिट्टू को मैं बोला है, अगर बॉडी बनाना है तो एकदम प्रोटीन टाइप का खाना पड़ेगा। वो तो वैसे भी ऐसा नॉर्मल खाना ही खाता है, नॉर्मल बोलेगा ना, सब्जी भी उसको खिला नहीं पाती हूँ। जो सब्जी उसको मुंह में लगेगा नहीं, वैसा टाइप का अगर बना के देगा ना खाएगा। जैसे पालक को पेस्ट करके पालक पनीर बनाती वो खाते है, और सब्जी में बंद गोभी और फ्लावर का सब्जी खाते है, वो भी मतलब जब फ्लावर का जब डीप फ्राई करके बेसन के साथ पकौड़ा टाइप का बनाती वो खाते है। और सब्जी भी बनाएगा ना तो उसके साथ कुड़मुड़ा खाएगा, चावल नहीं खाते। और रोटी भी थोड़ा बहुत खा लेते। तो चलिए, मैं अभी बच्चे लोग के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैं ना अभी एक साइड में अंडा उबलने के लिए दे रही हूँ और इसका ना दूध का पनीर बनाऊँगी। तो हम लोग तो छाना बोलते हैं उसको, तो वो बना के खिलाऊँगी। तो अभी प्रोटीन टाइप का खाना देगा ना तो थोड़ा सा तो ताकत रहेगा। बिट्टू ना डम्बल ऑर्डर की है, तो उसमें एक्सरसाइज करना है उसको। तो मैं बोला है, मैं जो दूंगी वो खाना पड़ेगा, तो भी मैं वो ला के दूँगी। तो राजी हो गया। चलो, वो बहाने से ना मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ खिला पाऊँगी। और ये देखिए, बन भी गया है। निशा को कुछ भी देगा ना वो खा लेगा, उसको पसंद भी है। और बिट्टू को ना कुछ भी चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा लगता है उसको ऐसा पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए, ऐसा ही है। वो भी उसका पसंदीदा खाना बोलेगा ना सिर्फ दाल चावल ही है। और फिश भी इतना पसंद नहीं है, अंडा तो 3 उबला है अभी, पता नहीं, वो तो एक ही खाएगा बोला था। मैं बोला 1.5 खा ले, और निशा को तो 2-3 दे देगा तो वो खा लेगा, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं देने का, उसका वज़न कम करना है। तो चलिए, मेरा बन गया है नाश्ता। वो लोग को नाश्ता देने के बाद ना हम दोनों चाय पियेंगे। और मैं ना मटकी उबाल के ऊपर से तड़का लगाया है। बिट्टू तो ये नहीं खाएगा, अंडा और थोड़ा सा वो पनीर ही खा लेगा, बाकी उसको मटकी में नहीं खिला पाऊँगी। निशा को तो दे देगा, वो खा लेगा। और हमारा भी चाय बन के हो गया है, तो हम लोग अलग से और कुछ नाश्ता नहीं बना रही हूँ, ब्रेड है, ब्रेड के साथ खा लूँगी। दोपहर का पूजा हो गया, और अभी आप लोग के साथ फेस टू फेस बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लंच में आज क्या बनाया बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। अभी ना कितना सारा कपड़ा है वो घड़ी करना है,
अभी निशा को बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उसका एग्ज़ाम चालू है। और अभी ना मैं घड़ी करने के टाइम ना फ़ोन चालू करके घड़ी करती हूँ, वीडियो देख देख के करती हूँ, तो इतना बोरिंग नहीं लगता है। बहुत सारा कपड़ा है, चलिए एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो चलिए एक कपड़ा घड़ी तो हो गया। और कोई भी बोरिंग काम को ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरा पसंदीदा कोई भी मतलब भगवत पाठ बोलिए, नहीं तो कोई भी वीडियो देख देख के ना मैं कर लेती हूँ, तो ऐसा गाना भी सुन सुनते कर लेती हूँ। तभी लगता ही नहीं है मैं वो काम कर रही हूँ। और अभी 1 बजने को आया है, तो चलिए लंच कर लेती हूँ। आज लंच में बना है मूंग दाल, बंद गोभी का सब्जी और पनीर मसाला, होटल स्टाइल का, बहुत टेस्टी बना है। देखा नहीं ना वो एकदम एक्साइटमेंट में, ये नीचे दिया है। हाँ, वो प्राइस एक्साइटमेंट में मैं देखा नहीं। धीरे से खोल। बाप रे बाबू, कर पाएगा? मैं बोला ना तुम 5 किलो लेने नहीं दिया। अच्छा, वही उसमें ही प्रैक्टिस करना है अभी। ना ले, रिटर्न कर दे। ना पहले इसमें से कुछ करूं? मुझे करना है उसमें। मम्मी तो 5 किलो इसलिए नहीं है, मम्मी वो करिए। चलेगा। मतलब कि 5-6 का। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी अभी हम लोग चाय पिया है और बाबू ने आया, एक ड्रम ऑर्डर किया था, वो आया है, उसका एक्सरसाइज करना है, तो उसको 5 किलो लेने का था। लेकिन मैं उसको बोला है 5 किलो नहीं, 2.5 किलो का ले ले, मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसा ड्रम तो हमारा योगा में 1 किलो का ऐसा प्रैक्टिस करवाया था, 2 बार ही प्रैक्टिस करवाया था, तो एक ही था, इसीलिए नहीं होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो अच्छा है, वो ऑर्डर किया है, मैं भी करूँगी। और आज ना सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा पंखा से नहीं हटेगा, तो अच्छा है। और आज अच्छा भी है, आज खाना नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि आज बर्थडे पार्टी में जाना है। तो चलिए बाद में आप लोग वहाँ पर भी। बाहर का आवाज़ के वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा और मेरा बर्थडे गिफ्ट भी खरीद के हो गया है। मैं और निशा भी जा रही हूँ, बाद में मेरा हस्बैंड और बिट्टू आएगा। मेरा हस्बैंड को थोड़ा काम है और बाबू मेरा हस्बैंड के साथ ही आ रहे, तो चलिए अंदर चलते हैं। छोटा बाबू का बर्थडे है और हमारा निवार है, बहुत अच्छे से सजावट की है, ये देखिए। जे पळून गेले त्यांच्या मागे कोरस मध्ये गाते, या लवकर लवकर लवकर, जे दोघे जे पळून गेले ते। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर मेदान, हॅपी बर्थडे टू यू। हरीश लवकर केक घेऊन ये। Yay! Happy birthday!
केक कटिंग तो हो गया, और केक कटिंग से पहले ना ये बाबू बहुत रो रहे थे। अभी देखिए सबका हाथ से केक खा रहे। बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाया और सजावट भी बहुत अच्छे से किया है। तो ऐसा तो ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, हमारा बिल्डिंग का तो किसी को देखा नहीं है, और मैं तो नेवर थी। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है वो लोग आए हैं यहाँ पे। ईशा तो खाना नहीं खाया, वैसे भी घर पे खाना है वो खा लेगा, लेकिन आंटी ने बोला है बेटे के लिए खाना लेके जाओ। मैं बोला नहीं नहीं, बोलते नहीं नहीं तो मैं देख के आती हूँ। मैं बोला ठीक है, जाने के टाइम लेके जाऊँगी। और ये है खाना, देखिए मैं केक खा लिया है। और क्या बहुत मस्त था, और खाना एकदम सिंपल था। निशा थोड़ा टाइम बैठने के बाद घर पे आ गई थी, और बाद में ना बिट्टू उसका पापा के साथ आया था। खाना सिंपल था लेकिन बहुत टेस्टी था। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ये झुमका ना मैं कुछ दिन पहले ना मुंबई से लेके आई थी, और मेरे को ना बड़ा बड़ा झुमका बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ज़रूर।